वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू, और वो है ये इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स मेकअप फिक्सर स्प्रे। इट इज लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, इट इज नॉन स्टिकी एंड इट इज रिफ्रेशेस, ऐसा कुछ इसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है। ये जो मेकअप फिक्सर है इसका आज हम फुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग ही दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, पूरी वाइट कलर की पैकेजिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेकअप फिक्सर सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। इस पे लिखा है नॉन स्टिकी एंड इट रिफ्रेशेस। इसका जो प्राइस है वो है 180 रुपीज। तो इनसाइट कॉस्मेटिक वैसे भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है अपने आप में, लेकिन आप इसको ऑनलाइन कहीं से भी खरीदोगे ना तो आपको डिस्काउंट पे ही मिलेगा ये मेकअप फिक्सर। एंड अगर आप बिगिनर हो गाइज, आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं किसी भी मेकअप फिक्सर में, तो प्लीज़ ये वाला जो मेकअप फिक्सर है ट्राई करके ज़रूर देखना। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल और 75 ml प्रोडक्ट है इसमें गाइस। तो 75 ml प्रोडक्ट 180 रुपीज के हिसाब से बहुत सही वाला अमाउंट है। और इसमें एडवांटेज, नीड ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू यूज, प्रिकॉशंस, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने इनकी पैकेजिंग की खास बात ये देखी है कि ये लोग कुछ भी छुपाते नहीं है, सब कुछ इनकी पैकेजिंग पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके इनर पैकेजिंग पे। तो ये है वाइट कलर की इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग पे भी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और ये जो पैकेजिंग है आपको कुछ कुछ याद दिला रही होगी वेट एंड वाइल्ड मेकअप फिक्सर का। और ये है इसकी नोजल। लकीली इसकी जो नोजल है ना वो बहुत ही अच्छी आई, मतलब मेकअप फिक्सर की जो नोजल्स अच्छी होती हैं तो मतलब वो बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो इवनली स्प्रेड करेंगे ना। लेकिन मेकअप फिक्सर तुम ले लो और उसकी नोजल ही काम नहीं कर रही ढंग से तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा सच में। आई कैन फील कि क्वांटिटी पूरा ऊपर तक है इसमें, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड चलिए मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, मैं इसके काम की ही बात करती हूँ सबसे पहले। सो इसकी जो स्मेल है ना, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं ना सबसे पहले वो फ्रेग्रेंस ही आती है मुंह पे। तो जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती ना इस प्रोडक्ट के बारे में वो है इसकी फ्रेग्रेंस। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और बहुत ही केमिकली वाली फ्रेग्रेंस है, मतलब बहुत ही बनावटी फ्रेग्रेंस मैं कैसे बताऊं, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे। ऑफ कोर्स अप्लाई करने के 5 सेकंड बाद ही ये आपको पता नहीं लगेगी, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे अगर आपको ऐसी स्मेल पसंद नहीं है। सूदिंग होती, थोड़ी माइल्ड होती तो सही रहती, लेकिन अगर मैं इसके स्प्रे की बात करूँ तो गाइस बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड करता है ये मेकअप पे, जो कि आपका मेकअप को सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसके काम की बात करते हैं कि मेकअप को कैसे सेट करता है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ये फेस, मैंने आज जो मेकअप है अपना वो इसी से ही सेट किया है। एंड यू कैन सी कि जो मेरे अंडर आइज का जो कंसीलर है ना वो बहुत जल्दी क्रीज होता है, लेकिन लकीली बिल्कुल क्रीज नहीं हुआ है और 2 घंटे तो हो गए हैं। जो मेकअप को सेट करने की बात है ना बहुत अच्छे से ये सेट करता है। ओवरऑल मेरा जो मेकअप है वो बहुत सही से सेट हुआ है, यहाँ पे भी क्रीजिंग नहीं है, नोज के अराउंड मेरी क्रीजिंग हो जाती है तो वो भी नहीं है। स्टेइंग पावर की बात करूँ तो गाइज आपका जो मेकअप है 4 घंटे तक आराम से टेका रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने मेकअप अप्लाई करके देखा वो 4 घंटे ही था। इसके बाद मैंने अपना जो मेकअप है वो रिमूव कर लिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत अच्छे से ये मेकअप को सेट कर देता है और बिल्कुल पैची नहीं लगता है जब हम इसको स्प्रे करते हैं। मैं ज़रा आपको स्प्रे करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम शेक करेंगे, वो बहुत ही इवनली स्प्रेड करता है। तो मेरी तरफ से तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
अगर आप इसकी फ्रेग्रेंस को इग्नोर करो तो ये बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू ट्राई दिस आउट गाइज. अगर आप बिगिनर हो तो जरूर ये वाला जो मेकअप फिक्सर है ट्राई करना, क्योंकि कुछ ही मेकअप फिक्सर हैं जो काम करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. और हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स में भी परफ्यूम और फ्रेग्रेंस तो भर भर के है. वैसे यहाँ पे कहीं पैराबिन नहीं लिखा हुआ है, तो आई थिंक पैराबिन फ्री है ये. और अगर आप नहीं जानते कि मेकअप फिक्सर को कैसे यूज करते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ. जस्ट 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के शेक करके देन आपको पूरे अपने फेस पे स्प्रेड करना होता है. दैट्स इट. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा. अगर कुछ भी रह गया हो, मिस कर दिया हो मैंने, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगी. और ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप. और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू.